लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षर, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आइए नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पटियाला की आदर्श कॉलोनी में एक पति ने रची खौफनाक साजिश। पैसे का लालच देकर अपनी जान पहचान के दो युवकों से कराया अपनी पत्नी का कत्ल। पुलिस ने आरोपी पति और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर महिला से छीनी सोने की चेन व पति के मोबाइल को किया बरामद। कानपुर में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से फर्जी शाखा खोलकर निवेश के नाम पर करीब 300 लोगों से करोड़ों रुपए की हुई ठगी। FIR कराने में निकला पसीना। पीड़ित के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत CBI तथा पुलिस के आला अधिकारियों को पत्र लिखने पर कल्याणपुर पुलिस ने FIR की दर्ज। आगरा में एक युवती के लिए दो दोस्त एक दूसरे के बने दुश्मन। दोनों एक ही युवती से करते थे प्यार। युवती को दूसरे दोस्त के साथ देखकर दोनों के बीच हुई जमकर मारपीट। पुलिस ने दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। पंजाब के भटिंडा स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड में अफसरों की मिलीभगत से हुआ करोड़ों का घोटाला। टैंक ट्रकों के कंपार्टमेंट लीक थे और कुछ पूरी तरह खाली भी नहीं किए जाते थे। इसी बहाने हर बार लाखों रुपए का पेट्रोलियम उत्पाद किया जा रहा था चोरी। जांच में हुआ खुलासा। शमशाबाद रोड स्थित इंदिरापुरम में बुधवार तड़के 4 बजे बदमाशों ने एक्सिस बैंक के ATM को तोड़कर कैश निकालने का किया प्रयास, मगर नहीं हो पाए सफल। बदमाशों के CCTV कैमरे में मिले फुटेज। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। ADG मेरठ जोन ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर एक गैंग का किया खुलासा। पुलिस ने गैंग के 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बताया कि पुलिस की साठगांठ से लुटेरों का चलता था गिरोह। विदेश में ऑनलाइन बेचते थे लूट के मोबाइल और लैपटॉप। लखनऊ में एक युवक शराब के नशे में धुत होकर दौड़ा रहा था कार। इसी दौरान कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी ट्रांसफॉर्मर की ट्रॉली में जा घुसी। युवक की मौके पर हुई मौत। कानपुर में दिनदहाड़े कॉलेज मालिक की नशन से हत्या। पहले लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली, फिर गड़ासे से सिर व चेहरे पर किए कई वार। गांव में मचा हड़कंप। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुंबई स्थित घर में कथित रूप से चोरी की कोशिश करने के मामले में उनके घरेलू सहायक को किया गिरफ्तार। घर से चांदी के बर्तन और एंटिक समेत कुछ कीमती सामान नदारद पाया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजीव भदौरिया ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। छत पर बाथरूम में लटका मिला शव। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।